हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर फिफ्थ, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, सबसे अगला हमारा टॉपिक है कि समय अध्ययन के लिए कार्य का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ जॉब फॉर टाइम स्टडी, यानी टाइम स्टडी के लिए कैसे हम जॉब का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो समय अध्ययन प्रायः रोजमर्रा यानी रूटीन के कार्यों के लिए किया जाता है, विशेषतः जिसमें बहुत अधिक लागत आती हो और अनेक श्रमिक एक जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, समय अध्ययन या तो किसी विभाग के अनुरोध पर या समय के मानक स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समय अध्ययन करने के लिए कुछ संभावित कारण निम्न प्रकार हैं। पहला है कि नया कार्य, न्यू जॉब। जब किया जाने वाला कार्य नया हो, अर्थात पूर्व में न किया गया हो, तो उसका टाइम स्टडी करना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, उसका हमको स्टैंडर्ड, उसका जो है हमारा परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, मतलब उसका स्टैंडर्ड डिफाइन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करेंगे वर्कर्स का, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि ये स्टैंडर्ड रहेगा हमारा। ठीक है, उस काम को करने के लिए। ठीक है, इसी स्टैंडर्ड से कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे मतलब इफिशियंसी इसी स्टैंडर्ड से, परफॉर्मेंस इसी स्टैंडर्ड से, यानी इस मानक से कम नहीं जाना चाहिए, इतना रहना चाहिए, इससे अच्छा हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि श्रमिक द्वारा शिकायत, कंप्लेंट फ्रॉम वर्कर। अगर वर्कर शिकायत कर देता है कि भाई ऐसा ऐसी बात है, कहीं हमको जो है ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी कि लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड जो है, टाइम जो हमें डिफाइन करके दिया गया है, वो कहीं एग्जेगरेटेड तो नहीं ना, कहीं ज़्यादा नहीं कर दिया गया, मतलब ज़्यादा एग्जेगरेट करके उसको कम नहीं कर दिया गया है, तो ऐसा भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे कह रहा है, किसी ऑपरेशन के समय मानकों के संबंध में किसी श्रमिक अथवा उनके संगठन द्वारा शिकायत की गई हो, ठीक है ना, वही चीज़ अगर शिकायत कर दिया कि मान लीजिए स्टैंडर्ड ये हमको बता रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है एक्चुअली में इस स्टैंडर्ड के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे दे दिया, कह रहे इस स्टैंडर्ड के लिए काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, कम समय में करना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा ही एनर्जी का लॉस हो रहा है, या फिर सेहत पर खराबी, चाहे कुछ भी हो, तो उसका जब वो कंप्लेन करते हैं तो ऐसा करना होता है। ठीक है, तीसरा चीज, विधि अथवा पदार्थ में परिवर्तन। अगर मेथड में या फिर मटेरियल में चेंज आता है तो फिर टाइम स्टडी करना होता है। तो ऑपरेशन की विधि अथवा पदार्थ में परिवर्तन किया गया हो तथा नए समय मानक आवश्यक हो, ठीक है ना, तो अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइम लगता हो, जैसे मशीनिंग के लिए कि कोई मटेरियल जिसको मशीनिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता हो, कोई मटेरियल जिसको मशीनिंग करने में कम समय लगता हो, तो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ठीक है, अत्यधिक लागत, एक्सेसिव कॉस्ट। अगर कॉस्ट एक्सेसिव हो रहा है तो एक बार टाइम स्टडी कर लेना सही है, कि हम देख लेते हैं कहीं ऐसा नहीं, कहीं पे हमारी गड़बड़ी चल रही। ठीक है, तो यहाँ पे कम उत्पादन, लेस प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, तब भी चौथ उसके बाद है कम उत्पादन के बाद आपका है विकल्प विधियां। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड्स, मान लीजिए कोई मेथड, कोई काम है, उसका अगर अल्टरनेट हम निकालना चाहते हैं कोई और मेथड, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। तो विकल्प के तौर पर किए जा सकने वाले विधियों के लिए जिस विधि में न्यूनतम समय लगता है वही विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अगर आपको अल्टरनेटिव विधि की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, इसमें किया जाता है। नई प्रोत्साहन योजना, न्यू इंसेंटिव स्कीम लगाने के लिए, ठीक है, तो न्यू इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव स्कीम आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इंसेंटिव स्कीम्स क्या होते हैं, तो इंसेंटिव स्कीम, नए इंसेंटिव स्कीम लगाने के लिए आपको मानक समय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तो अभी हम लोग देखेंगे उसमें बहुत सारे फार्मूले आएंगे जिसमें स्टैंडर्ड टाइम आएगा, उसके आधार पर ही वर्कर्स को मतलब पैसा बढ़ा के दिया जाता है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, अगला है बॉटल नेक ऑपरेशन। तो कह रहा है जब किसी ऑपरेशन पर बहुत अधिक समय लगता हो और एक स्थान पर बहुत सारा अर्धनिर्मित उत्पाद एकत्र हो रहा हो, तो जो है किया जाता है, तो वही बॉटम नेक ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, जब ऐसा चीज होता है बहुत अधिक समय लगता है और एक ही जगह पे, अर्धनिर्मित का मतलब समझ रहे हैं ना, सेमी प्रोडक्ट है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी वो
सेमी कंडीशन में है तभी, ठीक है। समय अध्ययन करने से पूर्व अनावश्यक क्रियाओं तथा गतिविधियों को हटाकर सर्वोत्तम विधि का चुनाव कर लिया जाता है। फिर समय अध्ययन करने पर विश्वसनीय तथा सतत मानक यानी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है स्टेप्स इन मेकिंग ए टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं यानी पद, ठीक है। समय अध्ययन के पद आप कह सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, यानी कौन कौन से स्टेप्स में फॉलो कंप्लीट होता है आपका टाइम स्टडी। तो देखते हैं समय अध्ययन करने के लिए लिए जाने वाले प्रमुख चरण निम्न है, निम्न स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, सर्वप्रथम कार्य यानी जॉब, प्रचालक यानी कि ऑपरेटर, तथा वाहन वातावरण यानी सराउंडिंग कंडीशन। वाहन वातावरण नहीं, वाह्य वातावरण लिखना चाहिए, ठीक है, वाह्य वातावरण, ठीक है, यानी सराउंडिंग कंडीशन। मशीनों आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रिकॉर्ड बना लेते हैं, पहला रिकॉर्डिंग ही है, ठीक है। यह रिकॉर्ड समय अध्ययन शीट यानी टाइम स्टडी शीट पर लिखा जाता है। दूसरा स्टेप क्या है कि कार्यविधि की जानकारी प्राप्त करना, जो मेथड स्टडी है, ठीक है ना, वर्क स्टडी है, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त करना। पूरे कार्यचक्र को छोटे छोटे अवयव यानी एलिमेंट्स में बांट कर अध्ययन करना तथा प्रत्येक अवयव में लगा समय रिकॉर्ड करना। तीसरा है कार्यरत श्रमिक की एक काल्पनिक सामान्य श्रमिक से मानसिक तुलना करते हैं, इस क्रिया को मूल्यांकन यानी रेटिंग कहते हैं। कह रहा कि कार्यरत श्रमिक की एक काल्पनिक सामान्य श्रमिक से, ठीक है ना, मतलब एक इमेजिनरी नॉर्मल एक वर्कर होगा, नॉर्मल वर्कर में क्या होगा जो एक्चुअल वर्कर नहीं है, इसमें उससे तुलना किया जाता है, मानसिक तुलना करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को मूल्यांकन यानी रेटिंग कहते हैं। तो रेटिंग के बारे में आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग जैसे यहाँ पर है। मूल्यांकन से प्राप्त प्रेक्षित समय यानी ऑब्जर्व टाइम से सामान्य समय यानी नॉर्मल टाइम ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये सब अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। छूट की गणना करके इन छूट को सामान्य समय में जोड़कर मानक समय निर्धारित करना, इस प्रकार मानक समय बराबर होता है सामान्य समय प्लस समय छूट यानी अलाउंस है, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये फार्मूला ना बहुत पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में खासकर। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टाइम, मानक समय को सामान्य समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में हम ये सोचते हैं कि नॉर्मल टाइम जो होगा स्टैंडर्ड टाइम प्लस अलाउंस ही होता है, ठीक है, लेकिन नहीं, जो स्टैंडर्ड टाइम हमारे लिए होता है वो ये होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, ठीक है। अब देखते हैं निष्पत्ति मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस रेटिंग है। परफॉर्मेंस रेटिंग कैसे दिया जाता है ये समझते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब एक समान दक्षता एवं योग्यता वाले अनेक प्रचालक यानी ऑपरेटर से एक समान प्रकार की गतिविधि निष्पादित यानी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो भी उनके द्वारा किया गया कार्य एक समान नहीं होता है ना। कह रहा कि यह देखा जाता है जब एक समान दक्षता योग्यता वाले अनेक ऑपरेटर्स, उनका दक्षता भी सेम है, योग्यता भी सेम है, एक समान प्रकार की गतिविधि, एक ही प्रकार का काम कर रहे हो, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, एक्टिविटी कैसे यहाँ पे हम कहेंगे एक्टिविटी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, हाँ वर्क भी कह सकते हैं एक्टिविटी की जगह पर, निष्पादित यानी परफॉर्म कर रहे हो तो भी उनके द्वारा किया गया कार्य एक समान नहीं होता है ना। ये होता ही है, हम लोग सामान्यतः देखते हैं समान कार्यकारी परिस्थितियों एवं समान विधि से कार्य करने के बावजूद कुछ प्रचालक यानी ऑपरेटर अधिक उत्पादन करते हैं तथा कुछ प्रचालक क्या करते हैं, कम उत्पादन कर पाते हैं। ऐसे में यह निर्णय ले पाना कठिन होता है तो समान परिस्थितियों में किया जा सकने वाला कार्य वास्तव में कितना होगा। ऐसे में डिसीजन ले पाना थोड़ा कठिन है ना, कि अगर नॉर्मल कंडीशन में होगा तो कितना काम किया जा सकता है, अगर कुछ वर्कर ज़्यादा कर रहे हैं कुछ वर्कर कम कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या करेंगे। यदि हम न्यूनतम, आगे कह रहा है, यदि हम न्यूनतम उत्पादन करने वाले प्रचालक को मानक मान ले तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले प्रचालक को उसकी तुलना में बहुत तीव्र माना जाएगा और उनके द्वारा अर्जित किए जाने वाले धन में भी अधिक अंतर आ जाएगा, जिससे प्रचालकों या फिर श्रमिकों यानी ऑपरेटर्स
या वर्कर्स में भारी असंतोष हो जाएगा ना कि वो लोग ज़्यादा जो है भारी असंतोष हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, वो कम काम कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सभी प्रक्रमों के लिए निष्पादन का एक मानक होना चाहिए जो प्रचालकों या श्रमिकों के समूह को संतुष्ट कर सके, ठीक है। तो निष्पत्ति मूल्यांकन इन परफॉर्मेंस रेटिंग इसीलिए दिया जाता है, परफॉर्मेंस रेटिंग, कोई भी कैसे भी काम करे उसको उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल सकता है और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो उनको फैसिलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो निष्पत्ति मूल्यांकन और परफॉर्मेंस रेटिंग वास्तव में एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें कार्य कर रहे श्रमिक की गतिविधियों में लगे समय की तुलना एक सामान्य श्रमिक से की जाती है, ठीक है। सामान्य श्रमिक एक काल्पनिक व्यक्ति होता है जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से कार्य को भली भांति बिना किसी पर्यवेक्षक की निगरानी के स्वयं कर सकता, ठीक है ना। यानी उस पर कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं है, जैसे होता है लोगों के पास घर का अपना पर्सनल ये सब चीज़ें होती है ना, वो बात उसमें नहीं लागू होता है क्योंकि वो काल्पनिक है। और साथ ही साथ उसको शारीरिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों को हो सकता है किसी दिन वो ज़्यादा ठीक ना हो शारीरिक रूप से, किसी दिन मतलब अच्छा फील कर रहे हो, किसी दिन अच्छा ना फील कर रहे हो, तबीयत खराब हो, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, सामान्य श्रमिक को ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यानी कि फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप मानी जान ही सकते हैं कि कितना वो इफेक्ट कितना बढ़िया काम करेगा, ठीक है। वो काल्पनिक, हालांकि इमेजिनरी है भी, तो वो तो जाहिर सी बात है हमारा आइडिया वो इमेजिन किया हुआ है, तो इमेजिन कभी जो है कंप्लीट हम कर नहीं सकते, ठीक है। आइडियल की तरह है, तो आइडियल को हमारा आइडियल तो कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्टैंडर्ड आएगा नॉर्मल के साथ अलावेंसेज वगैरह जोड़ के भी, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे, इसीलिए अलावेंसेज जोड़े जाएंगे। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मैनेजमेंट नेशनल कमेटी, ठीक है, सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट मैनेजमेंट कमेटी, सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मैनेजमेंट नेशनल कमेटी के अनुसार निष्पत्ति मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, यानी परफॉर्मेंस रेटिंग वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया जिसमें समय अध्ययनकर्ता यानी कि टाइम स्टडियर कह सकते हैं या टाइम स्टडी स्टडियर ही कह लीजिए, श्रमिक द्वारा निष्पादित कार्य की तुलना, ठीक है, श्रमिक द्वारा निष्पादित यानी कि परफॉर्म, ठीक है ना, परफॉर्म्ड काम काम की तुलना प्रेक्षणकर्ता के यानी ऑब्जर्वर के एक काल्पनिक अथवा मानक सामान्य श्रमिक से करता है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों का कंपेरिजन ही करना, ठीक है ना, तुलना ही करना कि एक सामान्य यानी नॉर्मल एक ऑपरेटर या वर्कर है उससे तुलना एक्चुअल से करना, या एक्चुअल का उससे तुलना करना, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। एक्चुअल वर्कर का, ठीक है ना, नॉर्मल जो कि इमेजिनरी होता है उससे कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे और भी देखते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टाइम स्टडी इंजीनियर्स कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटर अंडर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल आर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर समझेंगे, इसको निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा ये तरीका है कि यह किसी श्रमिक के कार्य करने की दर का मानक परिस्थितियों में प्रेक्षणकर्ता के काल्पनिक श्रमिक के कार्य करने की दर के सापेक्ष आकलन यानी असेसमेंट है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब द असेसमेंट ऑफ वर्कर्स रेट ऑफ वर्किंग टू द ऑब्जर्वर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट करस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड रेटिंग, ठीक है ना। इसी परिभाषा को कैसे किया गया है, इसी परिभाषा को ऐसे फार्मूले में लिख दिया गया है, यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस रेटिंग जो होगा वो होगा प्रेक्षित निष्पत्ति यानी परफॉर्म्ड सॉरी ऑब्जर्व परफॉर्मेंस यानी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है एक्चुअल में, और दूसरा अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस यानी सामान्य निष्पत्ति इंटू 100, ठीक है, इंटू क्या कर देते हैं 100 का उसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो निष्पत्ति मूल्यांकन में दो संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट को ज्ञात करना सम्मिलित होता है, पहला कि सामान्य श्रमिक का चयन जो नॉर्मल वर्कर होगा उसको कैसे चूज करेंगे, उसका क्या मानक वगैरह रहेगा, किसी श्रमिक का मूल्यांकन गुणांक यानी रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना। तो दो चीज़ें इसमें किया जाता है, परफॉर्मेंस रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें कैलकुलेट करना जरूरी होता है, ठीक है।
तो ये फार्मूला आ गया परफॉर्मेंस रेट, ठीक है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस इंटू 100, ठीक है। अब सामान्य श्रमिक का चयन कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, कह रहे कि हम जानते हैं कि सामान्य श्रमिक एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला काल्पनिक अथवा औसत श्रमिक होता है जिसकी कार्य दक्षता अन्य श्रमिकों की दक्षता नापने के लिए मानक बन जाती है, ठीक है ना। एक समय अध्ययन अभियंता यानी टाइम स्टडी इंजीनियर सामान्य श्रमिक का चयन निम्न चार कारकों के आधार पर करता है। पहला कि कार्य कुशलता यानी स्किलनेस, ठीक है, दूसरा एफर्ट यानी प्रयास, तीसरा है स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी, चौथा है स्थितियां यानी कंडीशंस। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए किसी सामान्य श्रमिक का चयन विशुद्ध रूप से अभियंता के अपने निर्णय पर ही आधारित होता है, यानी वो खुद डिसाइड करता है कि ये कैसा कैसा उसका स्किलनेस कैसा रहेगा, एफर्ट कैसा रहेगा, कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा, वो अपने आधार पर नंबर के या किसी भी रूप में इन सबको डिफाइन करके लिख सकता है। और फिर उसको लिखने के बाद अब जो है एक्चुअल वर्कर का वो उन्हीं उसी स्केल पर इन सब चीज़ों को कंपेयर करेगा कि स्किलनेस कितना है, ठीक है, एफर्ट कितना है, कंसिस्टेंसी कैसा है, कंडीशंस कैसा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इस बात को समझ सकते हैं आप ऐसे। दूसरा चीज है कि किसी श्रमिक का मूल्यांकन गुणांक रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना, ठीक है, किसी भी वर्कर का मूल्यांकन गुणांक किसी श्रमिक की एक ऐसे सामान्य श्रमिक की तुलना से प्रतिशत दक्षता है जिसकी दक्षता 100% मान ली जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि श्रमिक की दक्षता सामान्य श्रमिक की तुलना में 25% अधिक है तो मूल्यांकन गुणांक यानी कि क्या आने का मतलब रेटिंग फैक्टर जो होगा 125% या 1.25 होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, अगर श्रमिक की दक्षता देखिएगा ध्यान से 25% अधिक है एक नॉर्मल, है ना, अगर वही कम होता तो कितना होता, 0.75, है ना, यानी कि 75% केवल होता, ठीक है। सामान्य समय का अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सामान्य समय तथा मानक समय की गणना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आपको इस पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस पर सवाल भी देखेंगे। कह रहा है सामान्य समय तथा मानक समय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो सामान्य समय, सबसे पहले सामान्य समय कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑब्जर्व समय में मूल्यांकन गुणांक से गुणा करके सामान्य समय ज्ञात किया जाता है। तो कह रहा है ऑब्जर्व समय यानी प्रेक्षित टाइम में मूल्यांकन गुणांक से गुणा करके, ठीक है ना, जो परफॉर्मेंस रेटिंग हमारा अभी था उससे गुणा करके सामान्य समय ज्ञात किया जाता है। तो पहले नॉर्मल टाइम तब मिलेगा। इस प्रकार सामान्य समय जो होता है वो होता है प्रेक्षित समय इंटू मूल्यांकन गुणांक, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रेक्षित समय 12 मिनट है तथा मूल्यांकन गुणांक 125% है, तो जो नॉर्मल टाइम होगा यानी कि सामान्य समय होगा वो कितना होगा, 12 गुणे, या तो आप 1.25 कर लीजिए या 125/100 कर लीजिए, ठीक है, फिर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट। तो ये हुआ नॉर्मल टाइम, ये क्या है ऑब्जर्व टाइम, ये ऑब्जर्व किया गया 12 मिनट, लेकिन वो नॉर्मल टाइम में क्या होगा, 15 मिनट, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, मूल्यांकन गुणांक यानी परफॉर्मेंस रेटिंग का गुणा कर देते हैं। उसके बाद मानक समय, तो हम जानते हैं कि मानक समय बराबर क्या होता है, सामान्य समय प्लस विभिन्न प्रकार की समय छूटे यानी टाइम अलाउंसेज, उसमें क्या कर लेंगे, अलाउंसेज को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया विभिन्न कारणों जैसे विश्राम, देरी, व्यक्तिगत कारण आदि को संज्ञान में लेते हुए दी जाने वाली छूट सामान्य समय का 20% हो, तब क्या करेंगे, जो नॉर्मल टाइम है उसका 20% निकाल के जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे ऊपर के लिए नॉर्मल टाइम आपका 15 मिनट था, तो 15 मिनट प्लस 15 गुणे 20/100 कर दिया तो 18 मिनट आ जाएगा, क्योंकि ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको देखते हैं। उदाहरण 5.1 कह रहा है अवयवों अवयवों वाली एक औद्योगिक प्रक्रिया में प्रेक्षित समय यानी ऑब्जर्व टाइम तथा निष्पादन गुणांक यानी परफॉर्मेंस रेटिंग चित्र 5.6 में प्रदर्शित है, प्रदर्शित तालिका में दिए गए। विश्राम तथा व्यक्तिगत छूट 12% मानते हुए, ठीक है, आकस्मिक छूट सामान्य समय का 4% मानते हुए, ठीक है, प्रतिनग मानक समय ज्ञात कीजिए। यानी ये अवयव है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, ठीक है। तो क्या करना है हमको, मानक समय बताना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व टाइम इसके लिए इतना है, ठीक
ठीक है, निष्पादन गुणांक यानी कि परफॉर्मेंस रेटिंग इतना है। तो पहले केस में जो आपका जो नॉर्मल टाइम होगा वो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, वो जो आपका ऑब्जर्व टाइम है उसमें क्या करना है, परफॉर्मेंस रेटिंग का गुणा कर देना है, यानी 80/100, क्योंकि परसेंट में दिया है तो 80/100 यहाँ से निकल जाएगा आपका। अब फिर जो नॉर्मल टाइम आएगा उसमें देखिए क्या करा है, विश्राम तथा व्यक्तिगत छूटे 12%, 12% आपको क्या मानना है, विश्राम तथा व्यक्तिगत छूट। विश्राम का मतलब क्या रहा है, रेस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद व्यक्तिगत, व्यक्तिगत छूटे का मतलब उसमें ये आ सकते हैं कि उसको कहीं जैसे मान लीजिए नेचुरल कॉल आ गया, वो सब चीज है ना। और उसके बाद जो आकस्मिक छूट, या आकस्मिक छूट का मतलब कभी हो सकता है, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है जो आपको लेना पड़ जाए, तो वो 4% माना जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो पहला देखिए विश्राम तथा व्यक्तिगत छूट निकाला है कैसे, तो पहले सबसे पहले प्रतिनग सामान्य टाइम क्या है, प्रतिनग सामान्य समय क्या हो गया, 0.67 मिनट, ठीक है, क्योंकि सामान्य टाइम में परफॉर्मेंस रेटिंग का क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, ठीक है। अब कह रहा है विश्राम तथा व्यक्तिगत छूट, तो क्या है आपका 12% निकालना, तो इसका क्या कर दिया, नॉर्मल टाइम का 12% ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, आकस्मिक छूट, आकस्मिक छूट 4% निकालना, तो इसका 4% इतना मिनट हो गया। इस प्रकार मानक समय क्या हो जाएगा, सामान्य समय प्लस छूटे, छूटे कौन कौन सी है, इतना और इतना, इन दोनों को भी जोड़ देना है, तो इतना हो जाएगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अलग अलग का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। अब अगर आपको दूसरा वाला निकालना है, अच्छा कुल का निकाला है, पहले क्या करना है, पहले देखिए पहले क्या किया गया, सामान्य समय सबका निकाला गया, ठीक है, सबके लिए निकाला गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया, सबको जोड़ दिया गया, सबका नॉर्मल टाइम निकाल के क्या किया गया, सबको जोड़ दिया गया। तो ये आपका नॉर्मल टाइम, यही नॉर्मल टाइम आपका यूज होगा। तो ये ध्यान देंगे सभी अवयवों का क्या करेंगे आप, जो है पहले नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के आधार पे, और फिर सबको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको कुल जो है मतलब नॉर्मल टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब नॉर्मल टाइम यहाँ पे मिल गया, प्रतिनग सामान्य समय है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे आप जो है इस सबको निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इस प्रकार स्टैंडर्ड टाइम जो है गया पूरा जो है इसमें इतना लगा, ठीक है। उसके बाद अलावेंस देखते हैं, अलावेंस कार्यविधि अध्ययन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि नई तथा उन्नत विधियों का विकास करके श्रमिक द्वारा व्यय ऊर्जा को न्यूनतम किया जाए, यद्यपि सर्वाधिक मित व्यय, क्योंकि ये ऊपर देख चुके हैं अलावेंस, उसी को देखना है कि किस किस प्रकार की अलावेंसेज होती हैं, ठीक है, वो समझना है, क्योंकि अलावेंस अभी टाइम तो हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं ऊपर वाले में, लेकिन अभी समझना है कि कौन कौन सी होती है, जो भी हम कुछ बता रहे थे उसमें से कुछ कुछ, ठीक है ना। तो यही चीज़ कह रहा है, यदि यद्यपि सर्वाधिक मित व्यय प्रभावी विधियों का विकास हो गया है, तब भी किसी कार्य को करने के लिए मानवीय प्रयासों की आवश्यकता होती है, अतः श्रमिक को थकान से उबरने के लिए तथा आराम के लिए कुछ छूटे देना आवश्यक है, क्योंकि श्रमिक बिना रुके लगातार कार्य कर नहीं सकता, सामान्यतः कार्य करते हुए निम्न कारणों से व्यवधान हो सकता है, पहला है श्रमिक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जैसे पानी पीना, टॉयलेट जाना आदि के कारण, दूसरा है थकान यानी फटीग के कारण, तीसरा है औजारों ग्राइंडिंग मशीनों की सफाई आदि के कारण, ठीक है, चौथा प्रतीक्षा यानी कि वेटिंग, जैसा आदेश की प्रतीक्षा, दूसरे श्रमिक द्वारा अपना कार्य समाप्त कर लेने तक की प्रतीक्षा, तथा टूट फूट होने पर, टूट फूट हो जाने के कारण की जाने वाली प्रतीक्षा, टूट फूट हो गया तो उसको सही करना है, इसके लिए वेटिंग वगैरह। तो इन सभी के कारण जो होता है आपका जो है टाइम मतलब जरूर न जरूर आपको अलाउंस देना पड़ेगा, समय में छूट देना होगा, ठीक है। आप उसको नहीं कंसिडर कर सकते कि उसको आप निग्लेक्ट कर दें और स्टैंडर्ड टाइम आप वो मान लें, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा देख रहे हैं मानक समय में स्टैंडर्ड टाइम में आपको क्या करना पड़ रहा है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या है कि इस प्रकार छूट को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है कि छूट किसी कार्य को करने के लिए सामान्य समय के ऊपर दिया गया अतिरिक्त समय। तो हम यही तो देख रहे हैं, नॉर्मल टाइम के ऊपर जो दिया गया अतिरिक्त समय है स्टैंडर्ड
टाइम कैलकुलेट करने के लिए, वही क्या कहलाता, अलाउंस कहलाता। अलाउंस इज द एडिशनल टाइम अलाउड टू परफॉर्म द वर्क ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम। ठीक है, तो एडिशनल टाइम यहाँ लिख लेंगे एक्स्ट्रा, अलाउड टू परफॉर्म द वर्क ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम के ऊपर और अबव जो टाइम अलाउड किया जाता है, यानी कि जो छूट दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल टाइम जो दिया जाता है उसी को अलाउंस बोलते हैं, यानी छूट बोलते हैं। जो एडिशनल टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जाता है नॉर्मल टाइम के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, और छूटों के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ अलाउंस। तो विभिन्न प्रकार की छूटें यानी अलाउंस होती हैं। पहला आराम छूट यानी रिलैक्सेशन अलाउंस। तो रिलैक्सेशन अलाउंस पहला हो सकता है व्यक्तिगत आवश्यकता छूट, जैसे पर्सनल नीड अलाउंस, जो भी बताए, पाना पानी पीने जाना है, ठीक है, टॉयलेट जाना है, ये सब। बी थकान छूट यानी फटीग अलाउंस। ठीक है, तो पहला है सामान्य थकान छूट यानी नॉर्मल फटीग अलाउंस, दूसरा परिवर्तनीय थकान छूट यानी वेरिएबल फटीग अलाउंस। ठीक है, तो नॉर्मल में नॉर्मली सबको होता है थकान, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा वर्कर है जो ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है ना, तो उसमें थकान और ज़्यादा होगा, आप जानते ही हैं। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मली चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपको कितना होगा आप जानते हैं, वही दौड़ने लग जाएंगे तो ज़्यादा थकान होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने लग जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा थकान हो जाएगा, तो उन सबको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंसिडर करना। दूसरा आकस्मिक छूट यानी कंटिनजेंसी अलाउंस। ठीक है, तो आकस्मिक छूट यानी कंटिनजेंसी अलाउंस। तीसरा विशेष छूट स्पेशल अलाउंस। चौथा है बाधा छूट इंटरफेरेंस अलाउंस। नीतिगत छूट यानी पॉलिसी अलाउंस। ठीक है, अब पॉलिसी अलाउंस मतलब पॉलिसी बना है उसका अलाउंस होता है अलग। पॉलिसी या तो बना होता है या बनाया जाता है, वहाँ पे जो यूनियन होता है, जो आपका वर्कर्स यूनियन होता है, जो संघ होता है, वो बनवाता है। क्या कोई पॉलिसी या तो बनवाएगा या फिर पहले से बना होगा, गवर्नमेंट ने बनवाया, गवर्नमेंट से कह के, हालांकि वही बनवाए होंगे वर्कर्स और उनका ही जो होता है ये तालमेल होता है यूनियंस का, वर्कर्स के यूनियन का। तो आगे देखते हैं, तो व्यक्तिगत आवश्यकता छूट में ये देखिए कह रहा है कि ये छूट क्या होता है। ये छूट श्रमिक को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे पानी पीना है, टॉयलेट जाना, हाथ धोना, चाय पीना आदि के लिए प्रदान की जाती है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक छूट प्राप्त होती है, सामान्यतः पुरुषों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 7%। थकान छूट हो गया, जिसमें थकान छूटे श्रमिक को उसकी थकान के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रभावों सुपरने के लिए प्रदान किए जाते हैं। छूटे भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और परिवर्तनीय वाला। तो नॉर्मल फटीग अलाउंस जो मूल थकान छूट उन श्रमिकों को प्रदान की जाती है जो बैठकर अपना कार्य करते हैं, अच्छी कार्य परिस्थितियों में हल्का फुल्का कार्य करते हैं, जो शरीर के मुख्य अंगों का सामान्य प्रयोग करते हैं, फिर भी उनको चाहिए, जैसे कि कोई लैपटॉप पर बैठ के या हमेशा जो है मतलब कुर्सी पे चेयर पर बैठ के काम कर रहा है, फिर भी एक पोजिशन में उसका रहना, लगातार रहना जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है ना। तो उसको उस पोजीशन से थोड़ा छूट मिलना चाहिए कि तू उस पोजीशन से वो हट के, ठीक है, क्योंकि एक मेंटल फटीग भी तो होता है, मेंटली वो भी फटीग हो जाता है, तो उस वजह से उसको क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई आदमी बैठ के काम कर रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा जो है काम ही करता रह जाएगा, ठीक है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा, नहीं, उसके लिए भी ज़रूरत है, ठीक है, लगातार कंप्यूटर पर देखना, आँखों में दिक्कत आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है, और एक पोस्चर में लगातार एक साथ एक ही बार में बैठे रहना जो है बॉडी के लिए जानते ही हानिकारक है, तो उन चीज़ों को ठीक किया जाता है, ठीक है, मतलब उन चीज़ों को, वो चीज़ें परेशानियां आए ना, इसीलिए तो छूट दिया जाता है अलाउंस। तो ये नॉर्मल टाइप का हो गया। उसके बाद हो गया कि कह रहा सामान्य सामान्य समय का 4% होता है, इसको सामान्यतः 4% लिया जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकता छूट तथा सामान्य थकान छूट को स्थिर छूटें भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर छूट भी बोलते हैं। तो परिवर्तनीय थकान छूट का मतलब, वेरिएबल फटीग अलाउंस का मतलब क्या है, ये छूटें मध्यम तथा भारी कार्यों में लगे ऑपरेटरों को प्रदान की जाती है जो बैठने के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में काम करते हैं तथा जहां परिस्थितियां भी सामान्य से बदतर स्थिति में है और उनमें सुधार भी संभव नहीं है, ठीक है, तो वैसे जो है उनको छूट दिया जाता है। परिवर्तनीय थकान छूट को जोड़ने के निम्न कारक हैं, क्या
क्या है असामान्य स्थिति, वो भार उठाना, स्व कार्यस्थल पर चकाचौंध, ठीक है चकाचौंध बोलेंगे, मैंने इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा लाइट, अत्यधिक तापमान होना, ठीक है वेंटिलेशन, ठीक है वेंटिलेशन का ठीक न होना, वेंटिलेशन न हो पाना, अत्यधिक शोर, ठीक है दिमाग तथा आंखों की थकान, कार्य की निरस्तता तथा एकाकीपन, ठीक है मोनोटोनी, एक ही तरह से काम होना, कहने का मतलब ठीक है ना, तो होगा ना असामान्य स्थिति, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, अब नॉर्मल है, भार उठाना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पर, ठीक है तापमान बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन सही नहीं है, मतलब हवा जो है पास नहीं हो रहा है, पर प्रॉपर मतलब पुराना हवा जो है खराब हवा वहाँ से निकल नहीं रहा है और नया हवा आ नहीं रहा, जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ये कैमरा पूरी तरह से पैक्ड है, ठीक है यही इसी वजह से जो है ना हालत ख़राब हो जाता है, तबीयत भी ख़राब हो जाता है, देखिए मेरा तबीयत ख़राब हुआ, बहुत समय तक रेस्ट करना पड़ा, ठीक है बीच में आप लोग को वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे रेस्ट करना पड़ा, डॉक्टर ने बोला रेस्ट कीजिए, ठीक है बहुत ज़्यादा जो है ओवर वर्क कर चुके हैं आप, ठीक है तो क्योंकि इसे वेंटिलेशन का कोई माध्यम ही नहीं है, कोई जो पुरानी हवा निकल ही नहीं रही है, नया फ्रेश हवा, प्रॉपर वेंटिलेशन जब होता है तो बढ़िया होता है, ठीक है अब एयर कंडीशनर भी नहीं लगा कि ह्यूमिडिफायर लगा होगा, और जो है एयर कंडीशनर आप जानते हैं कि बाहर जो अंदर की हवा उसको बाहर फेंकता है, बाहर की हवा ले आता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, हालांकि एयर कंडीशनर भी बहुत अच्छा नहीं है सेहत के लिए, हम तो यही एडवाइस करेंगे, अगर आप उसमें ज़्यादा रहने लगे तो आप एकदम जो है कमज़ोर टाइप के हो जाएंगे, बहुत सारी आपकी रोग वगैरह होने लगेंगे, तो कोशिश यही कम करिए करिए कि कम से कम आप एयर कंडीशनर में अगर कोई लोग रहते भी हैं तो कम से कम रहें, ठीक है ज़्यादा नेचर से जुड़े रहिए, ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा आप मस्त रहेंगे, ठीक है जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आप, क्योंकि जो बॉडी है ना आपका नेचुरल चीज़ों से ही बना हुआ, ठीक है आपका मिट्टी से, ठीक है ना पांच चीज़ें हैं जो आप लोग मतलब पढ़ते हैं, आज जो मतलब बोला जाता है जलवायु आकाश और अग्नि और आपका भूमि, ठीक है ना मिट्टी मतलब, तो इन सब चीज़ों से ही हमारी बॉडी बनी है, मतलब हर एक कंपोनेंट एक एलिमेंट जो है इन्हीं चीज़ों से बना हुआ तो है, ठीक है तो हर एलिमेंट हर एक सेल, ठीक है इन्हीं सब चीज़ों से तो बना हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बीच जितना ही रहेंगे, आकाश मतलब स्पेस, आपको पूरा प्रॉपर स्पेस में रहना चाहिए, खुले में रहना चाहिए, ठीक है ज़्यादा बंद नहीं रहना, इसीलिए लोग ज़्यादा जो कमरे में बंद रहते हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं टाइम के साथ, जैसे टाइम बीतता जाता है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है इसके बाद देखते हैं वही चीज़ है कॉपी कूपन वगैरह दिमाग वगैरह आप समझ ही गए हैं, ठीक है उसके बाद है दूसरा आकस्मिक छूट यानी कंटिजेंसी अलाउंस, तो ये छूटें बार बार यानी फ्रिक्वेंटली अथवा असमान यानी इरेगुलर दी जाती है, ये छुट्टी कुछ अन्य अतिरिक्त कार्य करने के किसी प्रकार की प्रतीक्षा करने के कारण दी जाती है, तो ये कभी मतलब कुछ जैसे जो लगता है कि ये काम हो रहा है तो इसमें होना है ये सब चीज़ें आनी है तो उसके में दिया जाता है, जैसे कि आकस्मिक में जैसे औजार का टूट जाना, आपका टूट गया औजार को धार देना है, केंद्रीय भंडार से आवश्यक और औजार उपकरण प्राप्त करने के लिए, सुपरवाइजर से सलाह मशवरा करने के लिए, ठीक है पात्र यानी वेसल में कूलेंट भरने के लिए, अनुरक्षण विभाग द्वारा प्रतिदिन सफाई तथा तेल आदि देने के लिए, है ना अथवा जी क्या लिख रहा है कम समय के लिए पावर सप्लाई रुकने पर, ठीक है तो ऐसा क्या है कंटिजेंसी अलाउंसेज, ठीक है अब विशेष छूट स्पेशल अलाउंसेज देखते हैं हम लोग, तो विशेष छूट यानी स्पेशल अलाउंसेज क्या है, तो विशेष छूट ऐसी गतिविधियों के लिए प्रदान की जाती है जो सामान्य तौर पर कार्यचक्र का हिस्सा नहीं होती, परंतु कार्यचक्र को पूरा एवं संतोषजनक तरीके से करने के लिए आवश्यक होती है, इस प्रकार की छूटें अस्थाई अथवा अस्थाई हैं, ठीक है इन छूटों में प्रमुख है आपका कार्य प्रारंभ करने में छूट, ठीक है तो नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है वो है शट डाउन छूट, स है सफाई छूट, द है औजार के समंजन तथा अनुरक्षण के लिए छूट, यह है ए बी सी डी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप द यह लिखेंगे, ठीक है जाप बदलने की छूट, किसी नए कार्य अथवा विधि को अपनाने के लिए श्रमिक को दी जाने वाली छूट, ठीक है उसके बाद है चौथा इंटरफेरेंस छूट यानी कि बाधा छूट, ठीक है बाधा अलावेंस इंटरफेरेंस अलावेंस, जब दो या अधिक कार्य अवयव एक समान संपन्न हो रहे हो तब यह छूट प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिए जब जब एक ऑपरेटर एक साथ दो या अधिक स्वचालित मशीनों को एक साथ ऑपरेट करता है
तो कार्य अवयव का चक्र समय अलग अलग होने पर बाधा छूट हो सकती है। वह समय जब प्रचालक द्वारा किसी मशीन का प्रचालन नहीं हो रहा है अथवा जब मशीन का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो मशीन इंटरफियरेंस कहलाता है। इस प्रकार की बाधा के कारण जॉब का कार्य अवयव और कंटेंट बढ़ जाता है। इस विधि को बाधा छूट कहते हैं। ये प्रमुख कारक जो बाधा छूट को प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर पॉलिसी अलाउंसेज है, ठीक है, पॉलिसी अलाउंसेज आप बताए हैं। नीति का छूट एक वृद्धि है जो मानक समय पर लागू होती है, ठीक है, और बोनस से अलग होती है। असाधारण परिस्थितियों में निष्पादन का एक स्तर बनाने के लिए कमाई यानी अर्निंग का एक संतोषजनक स्तर उपलब्ध कराती है, ठीक है। नीतिगत रूप देने का प्रायिक यानी यूजुअल कारण ट्रेड यूनियन तथा कर्मचारियों के मध्य मजदूरी एग्रीमेंट की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मानक समय स्थापित करना। मैंने बोला ना ये जो पूरा बोला पहले कि उनका जो है वो अपना एक पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, उनके आधार। ठीक, अब इसके बाद यूजेज आप टाइम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। अभी जो है मेरा जो है अभी क्योंकि मैं हाल ही में ठीक होके आया हूँ, तो अभी उतनी इफिशियंसी से काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि दिन में दो दो लेक्चर आपको प्रोवाइड करके जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने से पहले, मतलब वीडियो आने से पहले, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। और जो भी नोट्स अगर आपको बुक का दिया जा रहा है, तो कोई खासा आप उस पर परेशान मत होइए, उसको पढ़िए। क्योंकि जब हम अगर लिखवाते या लिखते भी, तो वही पॉइंट्स वही चीज़ें लिखी जाती, तो आपको प्रिंटेड मिल रहा है और अच्छी बात है, ठीक है। आपको प्रिंटेड मिले या हैंड रिटन मिले, बात वही है, वही चीज़ें लिखी मिलेंगी, तो क्या दिक्कत है। हम कोई एक्स्ट्रा कंटेंट उसमें नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, ना कि एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिल रहा है ना कुछ, ठीक है। और भाषा भी कुछ खासा खतरनाक नहीं है, आपको समझ में भी आ रहा है। और एक बार जब जिस मतलब जैसे पढ़ते आ गए हैं, इतना जो अगर हमारा वीडियो अब देखे होंगे अभी तक जो है जितना भी पढ़ाए हैं, तो अब आपको इन सब बुक्स की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अब तक मेरा शुरू से सारी जो क्लासेज का है, मतलब तीनों तीनों सब्जेक्ट्स का आप अगर आपने देखा होगा, तो आपको पूरा आप जो है ना बुक्स पढ़ेंगे या नोट्स जो भी देंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा उस जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।